नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात रांची की कर लेते हैं। रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, करोड़ों की कैश बरामदगी के मामले में आज झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने कल उन्हें गिरफ्तार किया था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस मामले को सियासी रूप देने में तुली हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अभी और कई आलमगीर आलम भरे जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड से खबर है जहां करोड़ों के कैश बरामद हुआ था। झारखंड में जो ग्रामीण विकास मंत्री है आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव के स्टाफ के घर से 35 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था। कमीशनखोरी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसके बाद अब आज मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। तो कमीशन खोरी से जुड़ा यह पूरा मामला है। इस मामले में अब तक 8 बड़े चेहरों की, नामी चेहरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही इस मामले की छानबीन के लिए जब ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के स्टाफ के घर में छापेमारी की, तो ईडी को 35 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। इस पूरे मामले को लेकर मंत्री आलमगीर आलम को बीते दिन 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ के लिए समन किया गया। पूछताछ हुई तो मंत्री आलमगीर आलम को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस पूरे मामले में आज मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और ईडी जो है मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड इस दौरान मांगेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर अब जेएमएम और कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। साथ ही कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की थी, पूछताछ के लिए कई बार बुलाया। ऐसे में एक एक कर तमाम जो मंत्री है या झारखंड सरकार के जो विधायक है उनके खिलाफ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है, कमीशन खोरी से जुड़ा ये मामला है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ईडी के शिकंजे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में मंत्री आलमगीर आलम को पेश किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में उनकी पेशी होगी, उसके बाद इस बात की तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने दिन की रिमांड ईडी को मंत्री आलमगीर आलम की मिलती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रांची से खबर है जहां करोड़ों की कैश बरामदगी से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस मामले को देखते हुए झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने बीते दिन गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। वहीं ईडी की कोशिश यही होगी कि मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड मांगी जा सके। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां करोड़ों की कैश बरामदगी से जुड़ा ये पूरा मामला है। आज इस मामले को लेकर झारखंड कोर्ट में मंत्री आलमगीर आलम को पेश किया जाएगा। ईडी ने बीते दिन उन्हें गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि कमीशनखोरी से जुड़ा ये पूरा मामला है। जिस तरह से ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको देखते हुए ईडी ने सक्रियता दिखाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के एक स्टाफ के घर में छापेमारी की गई, जिसमें 35 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। इसके बाद ईडी ने कार्रवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम को बीते दिन पूछताछ के लिए बुलाया, समन किया। पूछताछ में जब आलमगीर आलम फंसते हुए दिखाई दिए तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आज मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इस दौरान देखना यह जरूर होगा कि कितने दिन की रिमांड ईडी को आलमगीर आलम की मिल पाती है। वहीं इस पूरे मसले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। अजय कुमार पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से
आलमगीर आलम पूरी तरह से ईडी के शिकंजे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते दिन उन्हें गिरफ्तार किया, आज उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कितनी देर में उनकी पेशी और पेशी को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अभी अभी रांची पीएलए में कोर्ट की विशेष कोर्ट में है, आप देख रहे हैं। हम अपनी सहयोगी से दिखाना चाहेंगे, ये कोर्ट परिसर है और यहाँ अभी कुछ ही देर में मंत्री आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी होगी और ईडी उनकी पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है। कोर्ट से अपील करेगी कि उनकी 5 दिन मिलेगी या 5 दिन से रिमांड मिलेगी, ये अब देखना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट पर यह निर्भर होगा कि अब वो कितने दिन के लिए पूछताछ के लिए, लेकिन जब पूछताछ की तार जो है लंबी फरिश्त है, आप सकते थे झारखंड में जो जिस प्रकार से घोटाला कमीशन खोरी को लेकर के घोटाले हुए, जिस तरीके से पैसे की उगाही हुई है, उससे तार जो अब जब पूछताछ के बाद जो चीजें आएगी वो लंबी फरिश्त होगी, लंबी लिस्टें होंगी। कई अधिकारी उसमें फंस सकते हैं, कई उसके राजनेता उसमें शामिल हो सकते हैं, कई इंजीनियर्स हैं जो वो उसमें शामिल हो सकते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि पूछताछ के बाद अब तार कहाँ कहाँ तक रहेगी, इनका नेटवर्क कितना बड़ा होगा, ये कितनी। अजय, जिस तरह से अब तक इस मामले में 8 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, काफी पेचीदा ये मामला बनता हुआ जा रहा है और जिस तरह से ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला सामने आया और थोड़ी देर में मंत्री आलमगीर आलम की पेशी होनी है, कैसी हलचल इस वक्त कोर्ट में आप देख पा रहे हैं? तस्वीरें भी दिखाएं आप। हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पीएलए में कोर्ट है रांची, आप देखते हैं राजधानी की पीएलए में कोर्ट है। यहाँ कुछ ही देर के बाद यहाँ पर मंत्री आलमगीर आलम की यहाँ कोर्ट में पेशी होगी, वो कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ आएंगे, शामिल होंगे और आप देख सकते हैं यह तस्वीरें वहीं की है जो कुछ ही समय या कुछ समय क्षण के बाद यहाँ पर उनकी पेशी होनी है, कड़ी सुरक्षा के बीच में पेशी हो जाएगी और कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। पेश होने के बाद उनसे अब उनके रिमांड की बातें होगी, दलीलें दी जाएगी और उनसे जो बहस होने के बाद कोर्ट का निर्णय होगा कि अब वो किसी समय तक के लिए उनको पूछताछ के लिए समय के लिए निर्धारित। जैसे आपने कहा ईडी की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी, क्या कुछ उन दलीलों में खास? देखिए ईडी के तरफ से जो दलीलें हैं, ईडी ने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है कि ये जो भी पैसे जो उगाही हुए हैं, जो पैसे जो बरामद हुए वो पैसे सारे के सारे पैसे कमीशन के हैं, इस बात की बीच में ईडी ने ये स्पष्ट कर दिया है। हालांकि ये जवाब मंत्री इस कारण को लेकर नहीं दिए तो वो बार बार ईडी पूछती रही कि ये पैसे कहाँ से आए, हालांकि इस पैसे को लेकर के लगातार वो नकारते रहे, लेकिन अंततः ईडी ने वो अपनी कार्रवाई की और उनके गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब जो कोर्ट में पेशी होने के बाद जो जिस तरीके से अब पूछताछ होगी, कड़ी सी पूछताछ के बाद अब जो जो खुलासे होंगे, अब जो चीजें सामने आएगी वो चौंकाने वाली तस्वीरें होंगी। आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने इसके पहले ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि पैसे इसमें कई चार लोग हैं, कई इंजीनियर हैं, कई अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं पूछताछ के बाद। क्योंकि अजय, करोड़ों का कैश जो है बरामद हुआ मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के स्टाफ के घर से, ऐसे में अगर बात की जाए ईडी जो दलीलें रखेगी, कितनी मजबूत वो दलीलें, कितनी मजबूती उन दलीलों में और क्या माना जाए, कितने दिन की रिमांड जो है मिल सकती है ईडी को? जैसे कोर्ट अभी तक जितनी भी चीजें रखी हैं वो सबूत के साथ रखी हैं, कोई हवा हवाई वहाँ चीजें नहीं होती, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी मजबूत एजेंसियां हैं और विश्वसनीय हैं। ऐसे में जितनी भी सारी चीजें जो भी छापामारी के दौरान, जो भी पूछताछ के दौरान जो उनके सबूत इकट्ठे किए हैं और वो उन सारे सबूतों को, उन दस्तावेजों को और वो कोर्ट में पेश करेंगे, इसी के आधार पर वो पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है और वो रिमांड की अवधि कितनी हो सकती है वो अब ईडी को तय करना, लेकिन इस रिमांड की अवधि को न्यायालय को लेकर कितनी दिन के लिए पूछताछ की इजाजत दे, ये देखने वाली बात होगी। जी अजय, जब ईडी के ज्यादातर केसों में जब कोई फंसता है तो जमानत इतनी आसानी से नहीं होती या निकलना जो है ईडी के शिकंजे से उतना आसान नहीं होता, हमने यही देखा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो या फिर जिस तरह से हेमंत सोरेन का मामला हो, क्या माना जाए? जिस तरह से आलमगीर आलम क्योंकि शिकंजे में आ चुके हैं, सबूत मिल चुके हैं, आज कोर्ट में पेशी होनी है, क्या माना जाए, कितनी और मुश्किलें बढ़ती हुई? देखिए बिल्कुल बिल्कुल मुश्किलें बहुत गंभीर बढ़ती जाए। आप समझ सकते हैं कि इसके पहले वीरेंद्र राम सिंह जी गिरफ्तारी हुई थी, ये इसी मामले को लेकर के उनके, वो भी मंडी लोलिंग पैसे के मामले में लेकर के उनके घर से बरामदगी हुई और कई लोग आरोपी उसमें गिरफ्तार किए, 8 लोगों से लंबी फरिश्त जो लिस्ट है वो गिरफ्तार, ये सारे के सारे अभी सारे के जेल में ही है। तो उसी जाँच की कड़ी में आप समझ सकते हैं कि उसी जाँच की कड़ी में आलमगीर जी है, जद में है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो साबित होंगे, जो उनके साथ जो साक्ष्य पेश किए जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसान उनको जो बेल की मिलने की जो इजाजत है वो नहीं मिल पाएगी।
यानी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई आलमगीर आलम की। साथ ही अजय, अगर यहाँ पर वो इस मामले में फंसते हैं तो क्या कुछ विकल्प आलमगीर आलम के पास बचता है? एक बार अगर रिमांड मिल जाती है ईडी को, उसके बाद आलमगीर आलम के पास क्या कुछ विकल्प? देखिए विकल्प, देखिए अब पूछताछ के बाद ही सारी चीजें आएंगे, सारे तस्वीरें आएंगे। विकल्प उनके पास अब है कि जो भी ईडी के पास दस्तावेज होंगे या सबूत होंगे, जो पूछताछ की चीज जानकारियां होंगी, उनके आधार पे ही सारी चीजें निर्भर करेंगे। अब देखना पड़ेगा। इस तरह से झारखंड की बात करें अजय, अभी 3 सीटों पर जो अभी कुछ दिनों में चुनाव है 20 मई को, ऐसे में किस तरह से देखें, क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर सकती है और क्या उसका फायदा इस मुद्दे का बीजेपी को मिल सकता है चुनाव में? देखिए राज्य में चुनावी माहौल है, प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, अभी 3 चरण और बाकी है राज्य में। तो ऐसे में जो कांग्रेस एक बड़ी बड़ी भूमिका से, बड़े भाई की भूमिका में निभाने वाला राज्य का एक बड़ा लीडर है और ये सब ये ईडी के रडार में है, गिरफ्त में है, तो ऐसे में निश्चित रूप से ये गवर्नमेंट कंट्रोल करना कांग्रेस के लिए बड़ा कठिन होगा। ऐसे और दूसरी तरफ है कि बीजेपी जो कि चुनावी माहौल है और इस बात को दोहराएगी कि राज्य में जो सरकार चल रही है, यानी हेमंत सरकार जनों और कांग्रेस के बीच के साझी की जो सरकार चल रही है, उस बात को दोहराएगी चुनाव के मैदानों में। ये पिछले भ्रष्टाचार है, आप देख सकते हैं कि इसके पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बाद से लेकर के लगातार ईडी की कार्रवाई जारी रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी इस वेले को भ्रष्टाचारी को सिद्ध करने को, और बिल्कुल अजय यही चीज देखने को भी मिलती है कि कांग्रेस ये जो चुनाव है 2024 का, ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन्हीं तमाम मुद्दों पर लड़ रही है। और ऐसे में कांग्रेस के ही जब नेता भ्रष्टाचार के कई सारे मामलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या रिपोर्ट कार्ड वो जनता के सामने लेकर जाएंगे? निश्चित रूप से आप ये देख सकते हैं कि जो जिस सरकार से जो चुनाव के उनके दरमियान में उन्होंने घोषणा पत्र में चीज को लेकर के जो घोषणा की थी, रोजगार को लेकर के, मुद्दे को लेकर के, उन सारी चीजों को ना होकर के लगातार आप देख सकते हैं कि 2.5 साल से अधिक ईडी की कार्रवाई राज्य में हो रही है, एक से तबाहतोड़ कार्रवाई लगातार कर मंत्री हेमंत सोरेन से लेकर के आज आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि उनके राज्य के एक बड़े कद्दावर मंत्री वो फंस चुके हैं। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार तमाम अनियमितता जो घोर भ्रष्टाचार है ये चरम पर है। ये लाजमी बनता है कि बीजेपी इस मुद्दे को बड़ी खूबी से निभाएगी और इसका फायदा आने वाले चुनाव जो लोकसभा चुनाव होंगे बाकी 3 चरणों में, इसका फायदा बीजेपी को निश्चित रूप से मिलने वाला है। वही झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार का पूरा खेल जो है सामने आया है, कई सारे लोग इस वक्त ईडी की रडार में है, जैसा आपने भी बताया कि 8 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। ऐसे में अब ये कड़िया कहां तक जाती हुई, आगे कौन कौन इस मामले में ईडी के शिकंजे में आ सकता है? देखिए ये अब जो पूछताछ के बाद चीजें जो सामने आएगी, ये लंबी फरिश्त होगी, आप समझ सकते हैं कि चौंकाने वाली तस्वीरें होगी झारखंड के लिए। आप समझते हैं कि राज्य के और क्या यही वजह कि रिमांड जो है मांगी जाएगी आलमगीर आलम की, ताकि और कुछ निकल कर आ सके पूछताछ में सामने? जी बिल्कुल, इसी बात को लेकर पूछताछ के बाद ही कड़िया सारे सामने चीजें तस्वीरें सामने आएगी कि इसमें से कौन कौन से लोग शामिल थे, ये पैसे जो कमीशन के लिए तैयार इकट्ठे किए गए थे वो कहाँ किनके पास पहुंचा, वो कौन पहुंचाते थे, ये किन लोगों से आता था पैसा, किन स्रोतों से पैसा आया और किन किन अधिकारियों से लेकर के तमाम नेताओं के पास किस प्रकार तरीके से जाते, वो पहुंचाने वाला कौन होता था, इन तमाम कड़ियों को पड़ताल करके इन सारे तस्वीरों को सामने ईडी तय करेगी। बिल्कुल, यानी थोड़ी देर में कोर्ट में पेश होंगे मंत्री आलमगीर आलम, देखना ये होगा कि क्या कुछ दलीलें ईडी की तरफ से रखी जाती हैं और कितने दिन की रिमांड ईडी को मिल पाती है। आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। करोड़ों की कैश बरामदगी के मामले में बीते दिन ईडी ने अपना शिकंजा कसते हुए मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है, थोड़ी देर का और इंतजार और ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने दिन की रिमांड मिल पाती है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश और केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि बीजेपी जीती तो ये योगी को हटाएंगे। ये बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही मोदी अपने बनाए नियम पर जरूर चलेंगे, 400 पार आरक्षण खत्म करने को चाहिए। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जमकर मिलकर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल घेरते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि
400 पार भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चाहिए ताकि वो आरक्षण खत्म कर दे। वो देश से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी को 220 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं चार बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त्र करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रमन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, देश का महान है, और चार चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है चार चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पर सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जमकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए दिखाई दिए, कभी आरक्षण के मुद्दे पर, कभी मणिपुर के मुद्दे पर, तो कभी पीएम मोदी को 1 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा इस मुद्दे पर, मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल लिया। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ, यूपी की आम आदमी पार्टी प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद रहे और शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल ने की और उन्होंने कहा कि वह चार बिंदुओं पर बोलना चाहते हैं और जिस तरह से उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए एक तरह से बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमोट किया जा रहा है, वही प्रधानमंत्री बनेंगे अगर सीटें आई तो, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी हमला किया कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को हटाकर दूसरे को बैठाया जाएगा और साथ ही साथ तीसरे मुद्दे पर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर हो रहे हैं और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला यह भी बोला कि बीजेपी के लोग रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, SC ST का रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं और साथ ही साथ आरक्षण जो OBC का है वह भी खत्म कर एक नई सरकार लाना चाहते हैं और यही वजह है कि वह 400 का नारा देकर कहीं ना कहीं ऐसा बदलाव करने जा रहे हैं। और इसके बाद अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, कहा कि इस बार जनता बीजेपी की झूठ की फैक्ट्री पकड़ चुकी है, बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है और संविधान बदलने के लिए जो ताकत लगा रही उसे अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस बार 143 सीट
को भी जनता तरसा देगी, क्योंकि पूरी तरह से बीजेपी मोहम्मद आसिफ एक तरफ आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पीएम मोदी का यूपी दौरा, चार रैलियां करेंगे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी जिस तरह से ट्रिपल अटैक यहां पर भारतीय जनता पार्टी पे करते हुए दिखाई दिए, एक तरफ हमने देखा बीते दिन कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव, दूसरी तरफ आज अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, ये ट्रिपल अटैक क्या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है कहीं पर? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से चौथा चरण लोकसभा का हो चुका है और यूपी की सियासत भी काफी अहम रखती है दिल्ली तक पहुंचने के लिए, और अब चौथे चरण के बाद जिस तरह से पांचवें चरण में मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल समेत कई ऐसे दिग्गज हैं जो अब यूपी की सियासत में भूचाल ला रहे हैं अपने बयानों के जरिए, और जिस तरह से स्वाति मालीवाल को लेकर भी यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बचाव करते हुए अरविंद केजरीवाल का और बीजेपी पर हमला बोला, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी पर मणिपुर की घटना को लेकर पहलवानों के साथ हुए। लेकिन मोहम्मद आसिफ मणिपुर की घटना पर जमकर बोलना, लेकिन दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल की घटना पर चुप्पी साधना, और खासकर तब जब संजय सिंह वही शख्स है जिन्होंने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का जिक्र किया था, पुष्टि की थी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो है यूटर्न लिया जा रहा है इंडिया गठबंधन के नेताओं को लेकर, अभी इसके पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव यह दावा कर रहे थे कि वो 80 की 80 सीटों पर विजय रथ विजय पताका फहरा देंगे, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ 80 की बजाय 79 सीटों पर आ गए, तो इसे कहीं ना कहीं यह भी लग रहा है कि एनडीए पूरी मजबूती से लड़ रहा है। हालांकि कोई ऐसा मौका इंडिया गठबंधन के नेता, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर सपा हो, कोई मौका गंवाना नहीं चाहते, लेकिन अगर दूसरे पहलू की बात करें तो बीजेपी पूरी तरह से राष्ट्रवाद को लेकर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन वही अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो इंडिया गठबंधन अब रिजर्वेशन को चुनावी मुद्दा बना रही है, और साथ ही साथ SC ST और OBC के आरक्षण को लेकर भी कहीं ना कहीं जनता को मुद्दे तो है ही, मोहम्मद आसिफ मुद्दे तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी हम नहीं नकार सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी कई महीने पहले से कर दी थी, और विपक्ष की बात करें इंडिया गठबंधन के नेता भले ही सक्रिय जरूर दिखाई दे रहे हैं लेकिन थोड़ी देरी इनकी तरफ से हुई। जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से अगर देखा जाए बीजेपी की और एनडीए की, तो बीजेपी और एनडीए हमेशा से चुनावी मोड में रहती है, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव के प्रचार में जुट जाती है, और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो चुनाव के दौरान ही, प्रचार के दौरान ही इनका चुनावी रैली शुरू होती है, हमले शुरू होते हैं, और यह भी सामने आया है कि चुनाव के दौरान ही इंडिया गठबंधन के नेता, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, राहुल गांधी को छोड़कर देखा जाए तो सभी चुनावी रैली चुनाव के दौरान ही करते हैं, ऐसे में जनता भी सब कुछ देखती रहती है। और बिल्कुल, और इसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव साथ में नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जमकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कई सारे जो है तमाम मुद्दे उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।